नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज नुपुर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपने देर से माफ़ी मांगी, वह भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं अपना बयान वापस लेती हूँ, आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर के पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं जजों ने नुपुर के आचरण पर भी सवाल उठाया और कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देती हैं, सत्ता में बैठी पार्टी का सदस्य होने से उसकी ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अब आप जानिए कि नुपुर पर राहुल गांधी ने क्या कहा। नुपुर ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना आदेश दिया जिसको सभी सम्मान करेंगे, नुपुर भी सम्मान करेंगी। लेकिन राहुल गांधी क्या बोले ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बन रहा है, नुपुर की टिप्पणी के साथ, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये माहौल बनाने में बीजेपी सरकार भी जिम्मेदार है। ठीक है, ये कहते हैं राहुल गांधी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उदयपुर की घटना को नुपुर के बयान के साथ जोड़ा और राहुल गांधी ने तो उसमें बीजेपी को भी जोड़ दिया है। लेकिन सच क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। कन्हैयालाल की जो हत्या हुई है उसकी जांच कर रही टीम ने जो भी पड़ताल की है उसके जो फैक्ट है वो ये बताते हैं कि ये जो वारदात को अंजाम दिया जाना था, इसका प्लान नुपुर के बयान से बहुत पहले ही बना लिया गया था और वहाँ जो देश विरोधी गतिविधियाँ थी वो करीब 2014 से चल रही थी। 2014 में हत्यारा गौस मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे पर 30 लोगों का दल लेकर के गया था और ये दल दावत इस्लामिक के एक जलसे में शामिल हुआ था। इस दौरान 40 दिन तक गौस और दूसरे लोग पाकिस्तान के कई इस्लामिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिले और मोहम्मद गौस ने रियाज अतारी को ट्रेंड किया था और इस ट्रेनिंग में 30 लोगों के दल में दो लोग और भी थे जिनको बाद में रियाज अतारी ने ट्रेंड किया। एसआईटी के रडार पे अब इस दल के कई लोग भी शामिल हैं। असल में ये जो हत्या हुई है ये एक तरह से तालिबानी तरीके से ये हत्या की गई है, एकदम से गला काट करके। एसआईटी के रडार पे अब इस दल के और भी लोग शामिल हैं। एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है और लोगों पे भी शिकंजा कसा जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि नुपुर के बयान से कई महीने ही नहीं कई साल पहले ये तैयारियां चल रही थी देश की फिजा को खराब करने के लिए। एसआईटी को गिरफ्तार रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस के मोबाइल और ठिकानों से कई हैरान करने वाले वीडियो और सबूत मिले हैं। एक वीडियो ऐसा भी मिला है जिसमें रियाज धारदार चाकू पर खुद धार दे रहा है और कह रहा है कि सर कलम करने के लिए मैं बेताब हूँ। ऐसा वाक्य बोल के उसने ये बताया कि वो मतलब शायद से इस काम के लिए बना हुआ है और चूंकि वो फैब्रिकेटिंग का काम करता था इसलिए वो चाकू भी रियाज ने खुद ही बनाया था। और जांच के दौरान ये भी पता चला है कि रियाज ज़्यादा खतरनाक है, हमेशा गुस्से से भरा रहता है। उसने अपने और गौस के पाकिस्तान में बैठे आकाओं की लताड़ के बाद कुछ अलग करने की साजिश रची थी। इन दोनों की पाकिस्तान में लगातार बात हो रही थी और आखिरी बातचीत में पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इन दोनों लोगों को काफ़ी डांट लगाई कि तुम लोग कुछ करते नहीं हो। इस पर रियाज ने वादा किया कि वो जल्दी ही कुछ बड़ा करके दिखाएगा और अपने आकाओं का विश्वास जीतने के लिए ही गौस ने कन्हैयालाल का सिर कलम करने का वीडियो भी बनाया।
इसके उसको दो फायदे हुए, एक तो ये कि उसके आका खुश हो जाएंगे, दूसरा ये कि देश में दहशत का माहौल बनेगा। तो राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी देश में खराब माहौल कर रही है और नूपुर का जो बयान है वो देश का माहौल खराब कर रहा है। तो देश का माहौल जो खराब करने की बात है उसके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, राहुल पहले ये देखें और दूसरा ये देखें कि जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पे सरकार किसकी है। खैर, जान बहुत बड़ी चीज़ होती है, सरकार चाहे किसी की भी हो, नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। अब मैं फिर से आती हूँ इन दोनों लोगों पर। इन दोनों ने जो चाकू इस्तेमाल किए थे वो खून से सने चाकू एसआईटी को मिल चुके हैं। अब आप देखिए, मैं फिर से राहुल पे आती हूँ। राहुल गांधी ने एक कहा कि नूपुर के बयान से हालात खराब हो रहे हैं। अब आप देखिए हालात खराब हो रहे हैं और क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, इस पे आप गौर कीजिए। ये जो घटना हुई है, जो इन दोनों लोगों ने कुछ बड़ा करने का अपने आकाओं को वादा किया था, गौस ने और उसके दूसरे साथी ने, उसको देखते हुए अब अमरनाथ यात्रियों और वहाँ के पर्यटकों के वाहनों को चंद्रकूट पर दोपहर 1:30 बजे के बाद से ही कश्मीर की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस तरह इन्हें दोपहर में 3:30 बजे के बाद उन्हें बनिहाल सुरंग से जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये नियम जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन पर नहीं है, लेकिन अब ये समझने की बात है कि रियाज और गौस का मिशन क्या रहा है, किस मिशन पे वो काम कर रहे थे। उनके मिशन और कुछ बड़ा करने की बात को लेकर के जगह जगह सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जहाँ भी यात्राएं निकल रही हैं उन पे एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है। तो ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा काम हो गया इन दोनों की वजह से। और राहुल कह रहे हैं कि ये जो माहौल है ये बीजेपी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए और नूपुर की टिप्पणी जिम्मेदार है। आप दोस्तों क्या कहते हैं, मेरा कमेंट जो ये कंटेंट है आपको कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और दूसरा ये, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।